ओके भाई लोग, तो कैसे हो सब लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे। और भाई से याद आया कि फाइनली आज टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है दोपहर 12 बजे। मतलब ठीक है भाई, थोड़ा हम यूट्यूबर्स के बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई दिन में ट्रेलर डाल दे रहा हूँ, आराम से देख के वीडियो बना के अपलोड मार लो, क्योंकि भाई टाइम लगता है अकेले वीडियो बनाने में। टाइगर 3 जो की होने वाली है 5th इंस्टॉलमेंट इन द YRF स्पाई यूनिवर्स, जिसका ट्रेलर फुली एक्शन पैक था भाई, इज इन फुल स्विंग एंड दिस इज एग्जैक्टली द सलमान खान दैट फैंस वांटेड टू सी एंड दिस मूवी कैन लेजिट बी द एक्सप्लोसिव कमबैक दैट भाई नीड्स। तो चलो इस ट्रेलर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लॉट के बारे में, जो कि ट्रेलर को देख के समझ आ रहा है, और वो यही है कि द विलन विच इज प्लेड बाय इमरान हाशमी, इनकी कोई हिस्ट्री है टाइगर के साथ, जिसमें टाइगर की वजह से ही लॉस्ट एवरीथिंग एंड नाउ ही इज बैक टू टेक हिज रिवेंज। और वो टाइगर को एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहाँ पे उसको अपनी फैमिली और अपने देश के बीच में चुनना पड़ेगा। अब देखो, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी इस मूवी से कोई बहुत हाई होप्स नहीं थी, और ट्रेलर देख के भी ये चीज समझ आ रही है कि प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही जेनेरिक स्पाई मूवी स्टोरी होने वाली है, जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं। अगेन मैं सिर्फ प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मतलब कि अगर प्लॉट को तुम समराइज करो तो कुछ बहुत नया नहीं है। अब ये एक वीक पॉइंट तो है, लेकिन इसको भी कवर किया जा सकता है अगर इसका एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ तो, बिकॉज एग्जीक्यूशन मैटर्स। एक अच्छा एग्जीक्यूशन एक सिंपल स्टोरी को भी कंपेलिंग और एंगेजिंग बना देता है। तो अब एग्जीक्यूशन कैसा होगा इस स्टोरी का, ये हम ट्रेलर देख के तो नहीं बता सकते, बट आई होप कि अच्छा हो। एक्शन सेट पीसेस की बात करूं तो ये एक्चुअली में ट्रेलर का यूएसपी है। एक्शन बहुत ही बड़ी स्केल पे बनाया हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर पिछली स्पाई मूवी से कंपेयर करो तो एक्शन को भी लेवल अप करने की कोशिश करी गई है। इनफैक्ट ये जो रूफटॉप बाइक चेस सीक्वेंस है, ये मुझे नहीं याद कि किसी इंडियन एक्शन मूवी में मैंने आज तक देखा होगा, एंड दिस लुक्स गुड। इसके अलावा ये क्रेन पर से जंप करने वाला एक्शन सीक्वेंस हो गया, या फिर ये डिब्रीज गिर रही है और भाई उस पर से स्लाइड करते हुए गोली चला रहे हैं, दिस एक्चुअली लुक्स अमेजिंग। और कटरीना कैफ का भी ये एक्शन सीक्वेंस ज्यादा खुश मत हो ठरकियों, वापस आ जाओ, ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल जो एक्शन सेट पीसेस हैं इस ट्रेलर में दिख रहे हैं, उसको देख के समझ आ रहा है कि मेकर्स ने डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है। अब यहाँ वो लोग जो ये कहने वाले हैं कि यार ये हॉलीवुड एक्शन मूवी से कॉपी है या ये यहाँ से कॉपी है वगैरह वगैरह, ये जो पूरी डिबेट है मैं इसको कम्प्लीटली साइड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी से ये इंस्पायर्ड है या कॉपी भी है, लेकिन अगर उसे एंड में अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसे उस स्केल पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वो इम्पैक्ट आ रहा है उन सीन्स को देखने में, तो ऑनेस्टली मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई मीन क्लियरली इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस डैनियल क्रेग की जेम्स बॉन्ड मूवीज की याद दिला रहे हैं, लेकिन अगर एंड ऑफ द डे देखने में मजा आ रही है तो क्या दिक्कत है। विजुअली भी फिल्म अच्छी लग रही है, द शॉट्स एंड एवरीथिंग, और जो सीजीआई का यूज किया है फ्रेम्स को एनहांस करने के लिए वो भी काफी अच्छा है। एंड इन विजुअल्स पे चेरी ऑन टॉप का काम करती है इस फिल्म की कलर ग्रेडिंग, द पैलेट्स, लाइटिंग एंड एवरीथिंग लुक्स गुड। कुछ जगह वही सीपिया टोन वाला फील आता है, बट मैं कह सकता हूँ दैट इन कंपैरिजन टू पठान इस फिल्म की कलर ग्रेडिंग बेटर है। अब बात करते हैं राइटिंग के बारे में, और भाई अच्छी नहीं है यार, डायलॉग्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत जेनेरिक साउंड कर रहे हैं। आई मीन जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, ये बेटर हो सकता था, बट इसको हम एक एक्सेप्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक पंची डायलॉग है जो कि कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है और थोड़ा सा विस्लिंग मोमेंट थिएटर में देगा। बट इसके अलावा जो बाकी डायलॉग्स हैं, जैसे कि आतिशबाजी तुमने शुरू करी, खत्म मैं करूंगा, भाई निकल आओ 90s से बाहर यार। एंड इस प्रॉब्लम को मैंने अपनी पठान वाली वीडियो में पॉइंट आउट किया था कि YRF को अपनी राइटिंग को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखना चाहिए, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फील होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे तुम लियो का ट्रेलर देख लो, वो भी एक एक्शन मूवी है, लेकिन राइटिंग क्या खतरनाक है। इनफैक्ट YRF स्पाई यूनिवर्स में अगर तुम देखो तो वॉर की राइटिंग बहुत बेटर है। इनफैक्ट पूरे स्पाई यूनिवर्स में सबसे अच्छी राइटिंग वॉर की है, एंड आई डोंट नो कि उसके बाद से YRF उस डायरेक्शन से डेविएट क्यों कर गया। अब बात करते हैं अबाउट टाइगर हिमसेल्फ, सलमान खान। अब देखो जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भाई का रिसेंट टाइम्स में, और इन्हीं रिसेंट फिल्मों की वजह से भाई की जो इमेज बन गई है, उस इमेज को हटा के देखना थोड़ा मुश्किल है, बट दिस टाइम ऑनेस्टली सेइंग भाई एक्चुअली रॉक्स। वो जो होता है ना, कुछ रोल्स टेलर मेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्टर्स के लिए, टाइगर वो रोल है भाई के लिए। ही इजिली फिट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड नॉट जस्ट द स्वैग, बट भाई इज ट्राइंग टू पुट ऑन एन एक्ट ऑल्सो। ये वाला सीन जहाँ टाइगर को एंग्जाइटी आती है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम भाई। एंड बाकी ऑब्वियसली जो भाई का डिमीनर और स्वैग है जो टाइगर के कैरेक्टर में रिक्वायर्ड है, ही इज पुटिंग दैट अप एफर्टलेसली। मतलब फाइनली भाई ने मेहनत की है काफी टाइम बाद, दिख रहा है। कटरीना कैफ फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश थी भाई मेरी, तो इतना ही कहूंगा कि अच्छा लग रहा है देख के उनको, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट सीन। द ओजी फीमेल स्पाई ऑफ द स्पाई यूनिवर्स इज बैक, एंड वो भी फुल थ्रॉटल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एंड जो टाइगर एंड जोया का रिलेशनशिप है वो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में सबसे थरली डेवलप्ड डायनामिक है। एंड ऑनेस्टली इसको आगे देखने में मजा आएगी कि टाइगर 3 में ये कहाँ प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे प्लॉट में इंटीग्रेट होगा, क्या इस्तेमाल होगा इस डायनामिक का। एंड आई होप वी गेट टू सी टाइगर एंड जोया किक सम मोर एसेस टुगेदर। एंड नाउ फाइनली वो एक्टर जिसकी हाइप सलमान भाई जितनी ही है, दैट इज इमरान हाशमी एज द एंटागनिस्ट। एंड Boy, I was not expecting this look. He just looks killer. और जैसा कि मैंने बताया था कि टाइगर के साथ कुछ हिस्ट्री है इसकी, and now he has to take revenge. I mean, इससे पहले YRF Spy Universe में हमने ऐसा विलन कहाँ देखा जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो और अब वो बदला देने वापस आया है अपने लोगों से। Dear YRF, प्लीज वर्क ऑन योर विलन्स। एंड इमरान हाशमी जैसे एक्टर को लेके भी इफ यू आर प्लानिंग टू वेस्ट हिम ऑन अ जेनेरिक रिटन विलन, तो भाई फिर तो ये नाइंसाफी है इमरान हाशमी के साथ भी और उनके फैंस के साथ भी जो कि प्रॉपरली उनको स्क्रीन पे अच्छा कमबैक करते हुए देखना चाहते हैं। एंड आई सिंसियरली होप कि ये जिम पार्ट 2 ना हो। I mean, कुछ तो अलग हो यार। एज अ विलन एक अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया हो, एक डायनामिक दिया हो, वन डायमेंशनल ना हो। आई होप, क्योंकि भाई इमरान हाशमी और टाइगर का फेस ऑफ इज समथिंग दैट शुड पे ऑफ। क्या जबरदस्त फेस ऑफ होगा, क्या मजा आएगी देखने में, बशर्ते YRF ने अगर इसे अच्छे से बनाया हो तो। तो ये थे मेरे थॉट्स। एंड ओवरऑल टाइगर 3 एक बहुत ही हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी प्रॉमिस करती है, लेकिन अगर इस फिल्म की राइटिंग भी उतनी अच्छी हो तो वो इस एक्शन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि YRF ने इस पर राइटिंग पर भी उतना ही फोकस किया हो, एंड नॉट जस्ट द स्टार पावर या फिर जो कैमियोज इसमें होने वाले हैं सिर्फ उसी पे ये फिल्म ना चल रही हो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर, और हाँ वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना। टिल देन दिस इज द पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।